हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 34 में 3 का डिवाइड कैसे करें, किसका डिवाइड करना है, 3 का, किस में, 34 में। बच्चों, 3 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या 3 से बड़ी हो। यदि हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो आपके लिए डिवाइड करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो बच्चों, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करना चाहिए, क्या 3 से बड़ी है? आप कहेंगे नहीं है, 3 के बराबर है। तो बराबर की संख्या में भाग कितनी बार जाता है बच्चों? आपका एक बार जाता है, वो खुद ही मिलती है, उसके बाद उसको घटाना होता है। 3 - 3 0 आ गया। ऊपर से एक अंक को यहाँ ले आते हैं, कितना बन गया, 4। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि आपका 4 से बड़ा ना है। 1 3 3 2 3 6, 2 बार लिया, 4 से बड़ा रहे। 3 का पहाड़ा हम एक बार लेते हैं, फिर घटाया, 1 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और बच्चों इसके साथ 0 लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार लिया, कितना आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है। फिर हमने घटाया, 1 आ गया। ध्यान से देखना बच्चों, जो घटाने पर संख्या आ रही है वो क्या 3 से छोटी है। आप कहेंगे यस, इसका मतलब डिवाइड हम सही करें। यह ध्यान रखें, हमेशा जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे घटाने पर संख्या छोटी आएगी। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर गया 3 बार, तो इस प्रकार से आपका डिवाइड आगे चलता रहेगा। यह जो बच्चों आपका भागफल बना है वो हम इसके बराबर लिखते हैं।